दोस्तों आज मैं आपको ऐसा DIY फेशियल बताने वाली हूँ जो घर की चीजों से ही मिला करके आप घर पे खुद से बना पाओगे और खुद करना भी सीख जाओगे और इस ईद आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकेगा। सारी रौनक आपके चेहरे पे आ जाएगी, दाग धब्बे ब्लेमिशेस बस गायब हो जाएंगे। 3 दिन का वेट करना होगा क्योंकि फेशियल का रौनक 3 दिन बाद ही आपके चेहरे पे नजर आता है। तो मेकअप ट्यूटोरियल ईद का आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट उससे पहले मैं स्किन केयर वीडियो लेके आ गई क्योंकि जब स्किन अच्छी नहीं होगी तो मेकअप का क्या खाक अच्छा होगा। तो मैं आपको बताऊंगी DIY फेशियल घर पे खुद से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रब और फेस वॉश इन दोनों को कंबाइन कर दिया है मैंने यहाँ पे लिया है कॉफी पाउडर। आपके घर में कॉफी होगा ही होगा, अगर वो नहीं होता है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं। और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच घर की बनी हुई दही मिक्स कर दी है। इसको आप सबसे पहले नोज पे लगाओगे और 1 मिनट तक नोज पे स्क्रब करोगे। जब तक आप नोज पे स्क्रब करोगे जो बाकी का बचा हुआ आपका कॉफी है वो घुल जाएगा दही के अंदर। अब इसको हाथ में अच्छे से मिला के चेहरे के ऊपर लगा लोगे, ये काम करेगा एज अ फेस वॉश। यहाँ 2 in 1 हो गया, स्क्रब भी हो गया और आपके फेस का फेस वॉश भी हो गया। फेस वॉश करने के लिए कॉफी पाउडर और दही आप चाहें तो डेली भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 सेकेंड इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है, देर तक के लिए भी लगा सकते हैं लेकिन फेस वॉश ही करना है। तो खाली 50 सेकंड के लिए फेस पे लगाओ, हल्का सा मसाज दो सर्कुलर मोशन में और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लो। आप इसको डेली करोगे, आपके चेहरे को डिटॉक्सिफाई कर देता है एकदम से। आप देखोगे चेहरे में ग्लो कितना ज्यादा नजर आ रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या आप देख पा रहे हो, कमाल का DIY फेस वॉश है दोस्तों, इसको ट्राई जरूर करना। मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है और गर्म टॉवल लिया है, गर्म पानी में भिगो के पानी निचोड़ करके आप इसको चेहरे पे रखोगे, सेक दोगे चेहरे को ताकि जितने भी पोर्स हैं वो ओपन अप हो जाए और इजीली आप ब्लैक हेड्स निकाल पाओ। ब्लैक हेड्स निकालने के लिए अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे मसाजिंग क्रीम आपको लगाना बता रही हूँ। उसके लिए आपको 2 चम्मच दही के अंदर 1/4 teaspoon आपको टर्मरिक लेना है, हल्दी, किचन की हल्दी नहीं लेनी है क्योंकि इसके अंदर फूड कलर होता है। आपको फेस पे लगाना है तो चेहरा पीला करने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी खड़ी हल्दी या जंगली हल्दी कहते हैं इसको, वो आप ले। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, ये खड़ी हल्दी को पीस करके बनाया गया है, एकदम ऑर्गेनिक है, हर्बल है, नेचुरल है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एल्ब्स का है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं अपने हर DIY में हल्दी जरूर यूज करती हूँ और ये वाला हल्दी लगाओगे तो गोल्डन फेशियल वाला इफेक्ट आपके चेहरे पर जरूर पड़ेगा दोस्तों। अब जो मैंने मसाजिंग क्रीम अपनी दही और हल्दी को मिला करके बनाया था उससे मैं अपने चेहरे पे मसाज दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए आप मसाज देंगे अच्छी तरीके से, सर्कुलर मोशन में हर एरिया को कवर अप करना है। मैं आपको ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कोई इसको यूज कर पाए। तो बस नॉर्मल सर्कुलर मोशन में आप इसको मसाज कर दीजिएगा। पैक बनाने के लिए मैं यहाँ मसूर की दाल ले रही हूँ 1 चम्मच। मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल रही हूँ। आई एम श्योर मसूर की दाल हर किसी के घर में होता है, ये स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटिंग में बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है, काली दाल ली है, ये काली दाल भी आप लोगों के किचन में होगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच ओट्स लिया है। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ आपके घर में अवेलेबल है आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए, पाउडर बना लीजिए। जब इसका अच्छा सा पाउडर बन जाएगा दोस्तों, ये कमाल का फेस पैक बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज है स्किन व्हाइटिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, चमक लाने के लिए। इसको ज़रूर यूज़ करें। आप चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच आटा भी डाला है, हाँ गेहूँ का आटा है, जिसकी रोटियाँ बनती है वो भी अपने फेस पे लगा सकते हो आप। तो वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लास्ट में मिक्स करके कंटेनर में रख दिया है। आप इसको पूरा महीना साल भर यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि इसके अंदर गीलापन ना जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच फेस पे लगाने के लिए लिया है और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ, मतलब चंदन का पाउडर ले रही हूँ। चंदन गर्मियों में आपके चेहरे को ठंडक तो प्रोवाइड करता ही है, मन को शांति, शीतलता, चेहरे पे ग्लो लेकर के आता है। अगेन मैं यहाँ पे एल्ब्स का चंदन पाउडर यूज कर रही हूँ। इनकेस आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बहुत कमाल का है, 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव से दूर है ये। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने दही डाल दी है। इनकेस दही आपको सूट नहीं करती या घर में अवेलेबल नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। और ये देखिए क्या कमाल का लॉरियल के क्ले मास्क जो होते हैं, जो कितने महंगे महंगे होते हैं, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा, किफ़ायती, बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल है दोस्तों। इसको ज़रूर ट्राई करें। आप फिंगर से या ब्रश की हेल्प से इसको अपने चेहरे के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दोस्तों, ये वाला फेशियल आपके चेहरे पर ग्लो, ब्राइटनेस, शाइन लेकर के आएगा। मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर करें।
क्रिसमस ईद दिवाली होली जो भी फंक्शन आने वाला हो आप ये जरूर ट्राई करें। ग्रो चाहते हो घर पे तो ये लगाने के बाद 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा गीला सूखा हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं सुखाना है नहीं तो ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देता है। कोई भी पैक पूरा नहीं सुखाना होता है। जब गीला सूखा हो जाए 15-20 मिनट बाद आप इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए निकाल लेंगे फेस से और नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर देंगे। और उसके बाद जब ब्राइटनेस आपके चेहरे पे आएगा ना, चांद को छोड़ो सब आधी के चेहरे को चांद ना समझ लें। फेस धोने के बाद आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो। मैं फिलहाल समर का मौसम है तो वाटरमेलन ले रही हूँ। वाटरमेलन बहुत ही अच्छा टोनिंग का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है और ग्लो लेकर के आता है। तो आप थोड़ा सा वाटरमेलन का टुकड़ा काट लीजिए या आप मैंगो ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आपके घर में जो फ्रूट अवेलेबल है आप देख लीजिए। मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। इसको अच्छी तरीके से रब करेंगे अपने फेस के ऊपर और उसके बाद आप चाहें तो टोनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने फ्रूट रब किया है तो भी चलेगा। फिलहाल जो मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्यूकम्बर का एल्स का ही टोनर है और ये टोनर आपके स्किन में मॉइस्चराइजेशन ग्लो हाइड्रेशन का काम करता है। अगेन बहुत ही अच्छा टोनर है, ट्राई ज़रूर करें। इसके बाद मैं फेस में सीरम लगा रही हूँ जो मेरी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ब्राइटनेस और लाइटनिंग का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। आपको सीरम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे लेकिन फिलहाल मैं आपको दो ऑप्शंस बता देती हूँ सीरम लगाने के लिए। अगर आपको सन टैन हो रखा होता है ना तो आप एक मुलेठी वाला सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। देखो बिल्कुल नॉन स्टिकी है, ग्रीजी नहीं है। अगर आप चाहते हो जानना कि मैंने कौन सा यूज़ किया है तो मैंने ये वाला यूज़ किया है, सैफ्रन वाला। ये स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही आपको मिल जाता है ड्रॉपर, ड्रॉपर से फेस पे लगा लीजिए। दो ऑप्शन मैं बता रही हूँ, एक मुलेठी वाला है एक सैफ्रन वाला है। जो मुलेठी वाला है वो टैन को दूर करता है और जो सैफ्रन है वो ब्लेमिशेस को दूर करने में और ब्राइटनेस लाने में। आपका चेहरा एकदम तैयार है फेशियल के बाद ग्लो करने के लिए। इंस्टेंटली आपको चेहरे में निखार जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि फेशियल के बाद फेशियल ऑयल जरूर लगाएं जो आपको ऑप्शंस में दिखा रही हूँ। ये पैराबेन सल्फेट और क्रुएलिटी फ्री है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके चेहरे पे मिलेगा। इनकेस पूरी वीडियो के दौरान आप मेरे नेल पेंट के बारे में सोच रहे हो तो मैंने ये वाला नेल पेंट यूज़ किया है, मैट है, कलर पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं क्या नेल पेंट यूज़ किया है, तो मैंने आज आपको ऑप्शन बता दिया है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ये फेशियल ट्राई करें दोस्तों और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।